नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइए हरियाणा और मैं हूँ आपके साथ भारती प्रदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरज कुंड प्रांगण में। देखिए, आज 1 फरवरी है और 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक सूरज कुंड मेला लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरज कुंड मेला जो कि साल में एक बार लगता है, उसका जो है कल से आगमन है और कल से मेला लगेगा। और कल यहाँ पर जो है हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ उसका शुभारंभ किया जाएगा, जो कि कल शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे और शुभारंभ किया जाएगा। आपको बताया कि इस बार जो सूरज कुंड की थीम है वो गुजरात रहने वाली है और जो पार्टनर है सूरज कुंड मेले का वो तजाकिस्तान रहेगा। देखिए, आप यहाँ बता दूं आपको, लगभग तैयारियां जो है स्टार्ट कर दी गई है और आज आपने जो है पूरा सूरज कुंड मेला सजने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर ये जो स्टॉल्स है वो लगा दी गई है और पूरी तरीके से यहाँ पर सजाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ जो है लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर जो क्राफ्ट्समैन है जिनका जो काम है वो करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए, बड़ा ही सुंदर यहाँ पर सजाया हुआ है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर, छोटे छोटे पौधे लगाए हैं ताकि सूरज कुंड मेले की सुंदरता बढ़े। और हालांकि बारिश ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कीचड़ हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे बारिश ना हो इसके लिए प्रशासन भी तैयारी करे बैठा। और इस बार जो है प्रशासन जो है पूर्ण रूप से तैनात किया गया है और पिछले साल से ज्यादा इस बार सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की किसी हिंसा ना हो और साथ ही चोरी ना हो, क्योंकि पिछले साल कई बार सुनने में आया था कि चोरी की गई है लोगों द्वारा। हालांकि वो चोर पकड़े भी गए, लेकिन इस बार जो है सीसीटीवी कैमरेज जो है ज्यादा लगाए जा रहे हैं लोगों की सुविधाएं के लिए, पूर्ण रूप से प्रशासन तैनात है। और आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और सूरज कुंड मेले में अपनी स्टॉल्स लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, प्रशासन अभी से तैनात है और देखिए बड़ा ही गुजराती जो थीम है इस बार गुजरात थीम रखी गई है, तो उस हिसाब से जो स्टेट के जो भी कल्चर है वहाँ का वो दर्शाया जाएगा इस बार। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर ये गुड़िया बना रखी है, गांव लकड़पुर सांझी मैया, जो सांझी मैया कहा जाता है, सांझी मैया को जो है दुर्गा माँ कहा जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर काम जो है चल रहा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य जो है अभी से ही देखने को मिल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉल्स है लगा दी हैं, स्टॉल्स के नंबर्स भी लगा दिए गए हैं और भारी मात्रा में यहाँ पर स्टॉल्स जो है यहाँ पर लगाई गई है। और क्राफ्टमैन भी आपको बता दूं यहाँ पर पहुंच गए और अपना अपना काम जल्द से जल्द पूरा कर रहे हैं क्योंकि कल से ये मेला शुरू हो जाएगा। हालांकि आगे के एक दो दिन भीड़ नहीं रहती, लेकिन उसके बाद जो है लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं पूरा मेला जो है लगभग तैयार है क्योंकि कल से मेला स्टार्ट हो जाएगा और 18 फरवरी तक लगेगा। इसी अवसर पर मेला जितना भी काम था वो लगभग पूरा हो गया है, डेंटिंग पेंटिंग का, लिपाई पुताई का, साथ ही जितने भी स्टॉल्स लगनी थी वो लगा दी गई है। अब केवल और केवल जो स्टॉल्स वाले हैं, जो दुकानदार है, उनका सामान रखना बाकी है और कल इसका शुभारंभ किया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा और उसके बाद इसका 18 फरवरी को समापन किया जाएगा। हर साल की भांति इस वर्ष भी बहुत सारे सिंगर और बहुत सारे कलाकार यहां पर पहुंच रहे हैं और मनोरंजन के लिए यहां पर अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे। ऐसी ही सूरज कुंड की सारी अपडेट्स देंगे आपको और सारी चीजें दिखाएंगे कि कैसे रहेंगे इस बार के 15-16-17 दिन सूरज कुंड मेले के। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपको सारी चीजें जो है दिखाई जाएंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे, नमस्कार।